शिकायत दर्ज करने के एक हफ्ते बाद दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया कि हम आज एक प्राथमिकी दर्ज करेंगे। इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से पेश सोलिसिटर जनरल SG मेहता ने कहा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। वहीं पहलवानों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक सीलबंद लिफाफा दिया। उन्होंने कहा, मैं एक विशेष टास्क फोर्स की मांग करता हूं। मुख्य आरोपी पर धारा 302 समेत 40 केस दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि मैं याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हूं। सोलिसिटर जनरल ने कहा, इसे पुलिस कमिश्नर पर छोड़ दें, सभी चिंताओं का समाधान किया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने कहा, इसकी निगरानी एक रिटायर्ड जज करे। ये वो लड़कियाँ हैं जो यहाँ देश के लिए खेली हैं, आपको मुझसे सहमत होना चाहिए। मौजूदा समय के कुछ शीर्ष भारतीय पहलवान पिछले रविवार 23 अप्रैल 2023 से राजधानी में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। शीर्ष पहलवानों में टोक्यो 2020 के पदम विजेता बजरंग पूनिया, रियो 2016 की पदम विजेता साक्षी मलिक और विश्व चैंपियनशिप की पदम विजेता विनेश फोगाट शामिल हैं। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। तो दोस्तों, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पूरी होती है या नहीं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। आदाब। नमो बुद्धा।